मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज जो इस बाइबल अध्ययन में आप सभी लोगों ने जुड़ा है And as we have been going through this special topic, actually, it is a very, very important topic, but it is very difficult to practice. और जैसे कि इस अध्ययन इस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हुए जा रहे हैं, ये एक विषय ऐसा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोगों को इसको हमारे प्रायोगिक जीवन में लागू करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। You know, when we are going from one country to other country, there we need some travel documents. और आप जानते हैं कि हम एक दूसरे एक देश से दूसरे देश की ओर जब हम लोग जाते हैं तो हमें यात्रा करने के लिए बहुत सारे ऐसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। Our country needs to permit us to go abroad with a passport. हमारा देश जो है हमें अनुमति देना है दूसरे देश में जाने के लिए, एक पासपोर्ट की आवश्यकता है। And the other country we are going, they will have to give us a visa to enter there. और दूसरे देश में हम लोग जब जाते हैं वो दूसरे देश वाले हमें वीजा की जरूरत है, हम प्रवेश कर सकें। You know, all the countries of the world are just a part of a same globe. और जब देखें पूरा देश है, एक देश बहुत सारे देश हैं, वो एक ही जो गोला है, हमारी जो पृथ्वी है उस देश के एक हिस्सा, उस पृथ्वी के एक हिस्सा है। But because of different reasons or the geographical positions, gradually a few people means one part of the world as considered as one country and other as other country, so they restricted permission from one country to other. That is why in this world itself we need these travel documents to travel. और हम क्या समझते हैं कि भले ही हम यही धरती की और यही पृथ्वी की वासी हैं, फिर भी जो है विभिन्न देश होने के कारण एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हमें दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। But we people are called heavenly citizens. The heaven is not in this globe, it is away from here. और हम सबके सब स्वर्ग के वासी वा स्वर्ग के नागरिक कहलाते हैं, और वो जो स्वर्ग है इस धरती से वो अलग है। But some people, means the people who are elected by God or foreknew by God, predestined by God, are considered as heavenly citizens. लेकिन जो लोग जो स्वर्ग के नागरिक हैं, वे लोग चुने हुए लोग हैं, पूर्व से परमेश्वर जो है उनको एक देश के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। परमेश्वर उन सभी लोगों को सबसे पहले पहले से ही वो जानता है। He was not just selecting few people, but he God has spent a great price to purchase us to his own. परमेश्वर हमें पहले से ही चुना उतना ही नहीं, बल्कि हमें चुनने से पहले ही उसने उसके लिए बहुत बड़ा कीमत उसने चुकाया है। So when we consider ourselves, if I am considering myself, even though I am not a big person, when we consider consider with the big human shorts, but in the hands of God, in the mind of God, I have a value. That is what we all should think about ourselves. जब हम बड़े बड़े लोगों के विषय में देखते हैं तो उनसे तो मैं बहुत कमजोर हूँ, उनसे तो मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी जब परमेश्वर के सामने आते हैं, लेकिन फिर भी यही छोटा व्यक्ति को ही परमेश्वर ने चुना है। You might have heard a song, usually Joy Jones teaches everywhere where the youths are there, that is, I am somebody because God loves me. और आप लोगों ने ऐसा गाना को सुना होगा जब जॉर्जन सर है
वो हर समय जो है यही गीत को सिखाते हैं, मैं अभी कुछ बना हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया है. Actually, we are nobody in this world, but when God elected us, God purchased us, and in front of Him, we are somebody, not because we are something, but because the price God has paid for us, we are somebody. और हम लोग देखते हैं, हम वास्तव में देखा जाए तो हम तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने वा प्रभु यीशु मसीह ने जो बहुमूल्य जो कीमत को उसने चुकाया है, उस कीमत के कारण ही आज हम लोग कुछ बन पाए हैं. Each heavenly citizen should recognize that I am a valuable person, not just in this globe, in this world, but the Almighty God has given a great value for myself. और हर एक जो नागरिक है, अपने आप को इस बात को समझना जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने बहुत कीमती हैं, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसे बनाया है, उस कीमत को चुका करके. All born again Christians, all born again believers have got these travel documents, this visa, just because we believed in the Lord Jesus Christ. हर एक जो स्वर्ग के नागरिक हैं, उन सभी लोगों को वीजा मिला है, उन सभी लोगों को इस देश का जो है दस्तावेज मिली है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है. So, whenever we die from this world, or whenever Christ returns, we are all sure that we will go to this heaven, our own place. और इस बात तो तय है कि जब भी हम लोग मरेंगे तो हम सब के सब स्वर्ग जाएंगे. So, because we are sure about that, we need to learn what is the value of life we need to live in this world. और इस बात का जो तय है कि हम सब के सब स्वर्ग जाएंगे, उसके लिए इस जीवन में जीते हुए उसकी उस जीवन की कीमत को, उस जीवन की महत्वता को हमें समझने की आवश्यकता है. Last week we have started learning from Colossians chapter 3 about that. और पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस विषय को सीखने के लिए कोलोसियों उसका तीसरा अध्याय को हम लोगों ने देखा है. I hope some of you may remember what we have learned. अच्छा, once again, would you repeat, please? I hope some of you might be remembering what we have learned in from that passage. और मैं आशा करता हूं कि जो विषय को हम लोगों ने अध्ययन किया है, उस विषय को, उस अध्याय को आप लोग स्मरण करते होंगे. It is very clearly written in that passage that you set your minds on the things above. और आप लोगों को याद होगा कि स्वर्ग के विषय के ऊपर ही, बस स्वर्ग के वस्तुओं के ऊपर ही तुम्हारा मन को लगाओ. We have read first four verses in the previous class. और हम लोगों ने जो है पहला चार पदों को, हमारी जो अध्ययन था उस अध्ययन में पहली चार पदों को हम लोगों ने पढ़ा था. And we have seen what is the speciality of a heavenly citizen. और हम लोगों ने इस विषय को देखा था कि स्वर्ग के नागरिक की जो खासियत क्या है. Today we are going to see up to verse 11. और आज हम लोग जो है 11 पद तक हम लोग देखेंगे. Just for our the reminding the previous class also, let us start from reading verse 1 up to verse 11. आइए हमारी जो पिछली जो सत्र थी, पिछली जो अध्ययन था, उसको स्मरण में लाने के लिए हम पहला पद से लेकर के 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे. Yeah, can somebody read that? कोई पढ़ने में हमें मदद करें. कोलोसियो तीसरा अध्याय पहला पद से 11 पद. जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने
और बैठा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप अज्ञान मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुझसे गाली देना, बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए न्याय अच्छा, सम नेटवर्क इश्यू इज देयर, दैट्स या ओके। आई होप यू ऑल हर्ड द रीडिंग, और यू कैन जस्ट लुक इनटू योर बाइबल। आप लोग जो है अपना बाइबल को और ध्यान लगाइए। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन सम हेवनली रीजंस टू लिव अ हेवनली लाइफस्टाइल। और हम लोगों ने पिछले जो सत्र था उसमें हम लोगों ने देखा था स्वर्गीय कुछ ऐसे कारण थी एक स्वर्गीय जीवन जीने के लिए। बट व्हेन फ्रॉम वर्स 5 onwards we see some earthly reasons to live a heavenly lifestyle. और जब हम पांचवा पद से देखेंगे कि वहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो धरती के कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ नियम हैं, उसके वजह से हमें एक स्वर्गीय जीवन जीना है। What were the heavenly reasons? और जो स्वर्ग के कारण क्या क्या थे कि हमें स्वर्गीय एक नागरिक के जैसा इस संसार में जीवन जीना है? Here in the screen we see 4 reasons. One is because you have been raised with Christ. और हम लोग इस स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं 4 ऐसे कारण हैं क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हो। Second reason is because you died and your life is now hidden with Christ in God. और दूसरी कारण ये है कि आप जो है मर चुके हैं और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है। And the third reason is not only your life is hidden with Christ, your very life is Christ. और तीसरा कारण ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं और उसके साथ साथ आप जीवन छुपा हुआ है। उतना ही नहीं, क्योंकि आपका जीवन ही मसीहत है, आपका जीवन मसीह में है। And the fourth reason is very great reason that you are going to appear with Christ in his glory. और चौथा कारण ये था क्योंकि आप मसीह यीशु के साथ महिमा सहित आप लोग प्रकट हो जाओगे। What a great privilege we have. You know, no human beings can appear with Christ with the same glory of Christ. ओ, कितना बड़ा आपके और मेरे जीवन में सौभाग्य परमेश्वर के ओर से मिला है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट नहीं हो सकता। When we compare the kings of this world, और मैं इस संसार के राजाओं के साथ मैं तुलना करना चाहता हूं। We normal human beings, when we are going by the walking by the road, if the king is inviting us to sit on his chariot, how great it would be. और आप मान के चलो कि आप और मैं सड़क पर ऐसे ही पैदल चलते हुए जा रहे हैं, उस वक्त कोई राजा अपने रथ में हो करके जो है वो गुजर रहा है, और वो यदि आपको और मुझे उस रथ में बैठने के लिए कहता है तो उससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। If American president is going by this way and if he just invite me to sit with him in his car, how great it would be.
और मान के चलो कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उस रास्ते से वो गुजर रहा है और जाते वक्त वो मुझे अपने कार के और वो इशारा करता है, बुला लेता है, तो उतना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। That is humanly speaking, those are great, great things. और ये मनुष्य के ओर से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महान विषय है। But actually, we know even all the presidents or kings or prime ministers, they are all human beings like us. लेकिन हम सबके सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर व प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, सबके सब लोग साधारण मनुष्य के समान हैं। But here, the creator of the world, the almighty, omniscient, all-powerful, all-knowing God, who is going to take us with him in his glorious appearance, how great it would be. TV, you did not get? Yeah, please carry on. I will take. Yeah, अच्छा, I think network issue was there. I was out. Okay. I'll say that again. If a human being, a greater human being is inviting us, he is that much great. The Almighty God Himself, who is all powerful, all knowing, and all sufficient, if He is taking us with him in his glorious appearance, that would be, how great would that would be. और आप मानिए, आप देखिए, एक साधारण सा मनुष्य आपको और मुझे यदि निमंत्रण देता है तो आप और मैं क्या समझते हैं? महान बात है करके समझते हैं, बहुत गर्व की बात है करके समझते हैं। यदि वो सच्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर और सर्वसामर्थी परमेश्वर आपको और मुझे यदि ये कहता है कि अपना महिमा सहित मैं आप लोगों को लेकर के आऊंगा और आपके साथ मैं आऊंगा करके वो यदि कहता है, तो उससे बड़ी सौभाग्य और महान बात क्या हो सकती है? This is not just an imagination. This will be the real truth going to happen. और ये कोई जो है सोचने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा ख्याल करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, वास्तव में सच्चाई है। You just consider that I am with Christ, I am in Christ, I am hidden with Christ, I am raised with Christ, I am going to appear with Christ. So I am very closer to Christ. That is so much great thing for a Christian. और क्या है, इस बात को आपको मानना होगा, इस बात को आपको समझना होगा कि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थित हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह में आप छिपे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह में आप महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रकट होने वाले हैं। If we are considering this truth, this heavenly truth in our mind all the time, all the sufferings and shortcomings in this world are negligible for all of us. और ये सब बातों को यदि हम महत्वता दे करके यदि हम यदि लेते हैं, हमारे जीवन में मान करके चलते हैं, तो ये सांसारिक कष्ट, पीड़ा और सतावटी जो आती है, ये सब कुछ इसका कोई मूल्य ही नहीं, इसका कोई कीमत ही नहीं रहेगा। You know why the apostles suffered all the sufferings all the time without any complaints? क्या आप जानते हैं जो प्रेरित लोग अपने जीवन में बिना कोई कंप्लेन किए हुए, बिना कोई आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए अपना जीवन को उन्होंने, एक मसीह जीवन को उन्होंने व्यतीत किया है, क्यों उन्होंने किया जानते हैं? Their mind was always filled with this heavenly greatness they are going to receive. और उनका जो मन था, उनका मन संपूर्ण रीति से इसी में लगा रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में उनका जो है महिमा मिलने वाली है। So, by presenting these heavenly aspects, Paul is telling that you should have a changed focus. That is, you keep seeking, you continuously seeking the things above.
और ये सब बातों को बताते हुए पौलुस कहते हैं कि जो स्वर्गीय वस्तु है उसका खोज में रहो करके वो प्रोत्साहित करते हैं. When we are doing certain things, if you are a salesman, you are sitting in a shop selling things, and your mind is in heaven. So whatever you do, whatever you talk to people, or what you are selling to people, you are thinking not just the money you are going to get, but you are thinking that what effect there is in heaven, there is going to be in heaven when I do the selling job. और जब आप कुछ चीजों को बेचते हैं या फिर कुछ चीजों को मोल लेते हैं, जो कुछ भी आप काम करते हैं, उस कामों में संसार में मुझे क्या प्राप्त होगी इसको ध्यान नहीं देना, बल्कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ स्वर्ग में, इसके लिए मैं कौन सी ऐसी प्रभाव को डालने जा रहा हूँ, कौन सी बात स्वर्ग से मुझे मिलने वाली है, वो बातों को आपको ध्यान दे करके संसार में आपको काम करना होगा. यू मे बी अ हाउसवाइफ वर्किंग always in the kitchen, and your mind is not complaining about anything, but you are thinking that what effect there will be in heaven whatever I do physically in this earth. और हो सकता है आप एक गृहिणी हो, आप घर के काम को संभालते हैं, लेकिन जो काम को आप करते हैं उस काम को करते हुए आपका मन में यही ख्याल, यही सोच आना चाहिए कि ये सब कामों के द्वारा स्वर्ग में मैं कौन सी प्रभाव डालने वाली हूं और स्वर्ग में मुझे क्या मिलने वाला है, उस सोच और विचार रखते हुए संसार में गृहिणी का काम भी आप कर सकते हैं. You might be a doctor, you might be an engineer, or you might be a accountant, or you're working in a shop, maybe very very low position or high position, whatever it may be, but when you consider things that is in heaven for you, you will do everything for the Lord. और हो सकता है आप कोई साधारण सा कर्मचारी जो है होंगे या फिर कोई नौकरी करते होंगे, सब कुछ आप जब जो है स्वर्ग की विषय को, स्वर्ग की वस्तु को आप यदि ध्यान देंगे तो आप उस काम को बहुत ही गहराई से और गंभीरता से काम को कर पाएंगे. So that is why Jesus has mentioned in the book of Matthew that even a cup of water you are giving to a servant of God will be rewarded in heaven. और जो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा गया है मत्तयी समाचार में कि प्रभु के दास को एक गिलास पानी भी आप देते हैं तो उसके लिए आपको स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा. So and in another verse, Paul in the book of Colossians, it says that whatever you do, do it as for the Lord. और कोलोसियों में ऐसा भी लिखा गया है, जो कुछ भी तुम करते हो, जैसे कि प्रभु का नाम लेकर के करते हो, प्रभु को महिमा देने के लिए करते हो, उसी रीति से आप उस काम को किया करो. Many times we are thinking that we have an earthly life and a spiritual life. हम बहुत बार ऐसे ही सोचते हैं कि एक आत्मिक जीवन भी एक सांसारिक जीवन भी है. Daily I may be taking few minutes to read the Bible and few minutes to pray. So that time is spiritual time, and all the other time is my normal life. हम लोग क्या सोचते हैं कि जो समय प्रार्थना करने का समय होता है, बाइबल पढ़ने का समय होता है, वही समय मेरा आत्मिक जीवन का समय है और बाकी जो है शारीरिक जीवन का समय. ऐसा सोच और विचार बहुत सारे लोगों का मन में होता है. And more spiritual people will think that I will spend time for church Bible studies and prayer meetings, and I'll spend more time in on Sundays. So those times are my spiritual life, and the other times are my secular life. और बहुत सारे आत्मिक लोगों का सोच और विचार ऐसा भी है कि इतवार का दिन में, संडे का दिन में बहुत ज्यादा प्रार्थना में बिताऊंगा, प्रभु की सेवा में बिताऊंगा और प्रभु का कार्य करूंगा,
ये मेरे लिए आत्मिक कार्य है संडे का दिन, और बाकी जो दिन है वो मेरा सामाजिक का ये है, और मेरा उस दिन सांसारिक जीवन की दिन है करके बाकी दिन ऐसा सोचेंगे। But actually, what does the Bible say about that? लेकिन प्रभु का वचन इसके विषय में कहता है। You don't have two lives. You have only one life. That is your spiritual life. परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा कोई दो जीवन नहीं है, एक ही एक जीवन, वो जीवन है आत्मिक जीवन। When you go to church, there also you are living a life that is spiritual. जब आप कलीसिया में जाते हैं तो जीवन आपको जीना है वो है आत्मिक जीवन। When you go to work also, you are living a spiritual life. And a life that is pleasing to God even when you are working. और जब आप अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं वहां पर भी आपको आत्मिक जीवन ही जीना है। So you don't have to live a dual life, you need to live a one life that is connected to God. और आपको ऐसा जीवन जीना है जो जीवन की परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ जीवन है। Here in Colossians 3, verse 17, Paul is saying the same thing. और यहाँ कोलोसियों का पत्र उसका तीसरा अध्याय 17वां पद में एक There it says, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Lord Jesus, giving thanks through him to the to God the Father. और यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है और वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर का करो। വാക്കിനാലോ ക്രിയയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി റീഡ് ഇൻ മലയാളം ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ വേർഡ് യുവർ വർക്ക് ഓർ ഡീഡ് വാട്ട് എവർ യു ഡു ദാറ്റ് യു ഡു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോർഡ് ജീസസ് ഓർ ആപ്പ് കുച്ച് ബി കാര്യ കരേ കാര്യ കരേ യാ ഫിർ പ്രഭു കാ വചൻ കോ മാനേ കുച്ച് ബി കരേ വോ പ്രഭു കാ നാം സേ ഹി കിയാ കരോ സോ വി ആർ ഫ്രം ദ മോർണിംഗ് ടിൽ ദ ഈവനിംഗ് We are doing several things. Maybe we may be riding bicycles or bikes or cars, or we may be working at the office or working in a shop, coming back to house. So we are doing many works and we are saying many words. And in the Bible it says, whatever do you say or do, do it in the name of the Lord Jesus. और परमेश्वर का वचन ये कहता है आप कर्म क्षेत्र में परमेश्वर के नाम से प्रभु का नाम से ये सब कार्य को किया। We may be thinking that it will be really a hard thing to do. आप लोग ऐसे सोचते होंगे ये काम करना तो मेरे लिए कठिन है। But you know, if we really exercise this kind of a life daily, that will be a very joyful life for a Christian. लेकिन ये सब बातों को आप यदि मान कर चलें, और ये बात कुछ भी नहीं होगी। Actually, it is not a difficult thing. God will not say us to do something that is not possible. कठिन विषय नहीं जो काम को आप नहीं कर सकते जो आत्मिक काम को नहीं कर सकते ऐसे कार्य को करने के लिए so that is why the Bible says that even a word or a deed that should be focused on the spiritual things or the heavenly matters. I think there is a network issue for Shibi Brother.
Yes, Acharya, I could not hear one thing. Network issue is there today, actually. Only today is the problem. Yeah, because we are dealing with the heavenly issues, normally these kind of problems we can expect. So our spiritual life means our words or our deeds, whatever you do, means the day-to-day living, that is, whether it is our earthly matters or our job or our travel or riding the bicycle, everything is connected with our spiritual life. Or connected with Christ. Yes, once again, repeat. yeah, sure. Yeah, I was telling that it is heavenly lifestyle is very important for a Christian, because all that we do, maybe it is our secular life, our day-to-day living, or our earthly works or words or deeds, whatever you do, it is all connected to our life, the core life, that is heavenly lifestyle. और इस संसार में आप एक सामाजिक कार्य को करें, संसार में जो कुछ भी आप कार्य करते हैं, आप जो कुछ भी बोलते हैं, इस संसार में अपने जीवन को जो है रोज भरी जीवन में आप बीतते हैं, ये सब कुछ कार्य स्वर्गीय जीवन से जुड़ा हुआ है, वो आप क्योंकि आप एक स्वर्ग के नागरिक हैं. We have been looking into how we should live a heavenly lifestyle. और हम लोग अभी देख रहे थे कि हम एक स्वर्गीय जीवन शैली कैसे जी सकते हैं. First one we have seen by changing our focus from earthly to heavenly. और सबसे पहले हम लोगों ने इस विषय को देखा था कि हमारा जो धरती के ऊपर हम मन ना लगा करके, हमारा ध्यान को ना लगा करके स्वर्गीय चीजों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है. And secondly, we have seen that setting our mind on the things above. और दूसरा विषय को हम लोग देख सकते हैं कि स्वर्गीय वस्तु के ऊपर हमारी ध्यान केंद्रित करना है. And now, from verse 5, we have seen how it is connected with the earthly things. और अभी पांचवा पद से हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो जीवन है कैसे स्वर्गीय चीजों के ऊपर हमारा ध्यान लगाया हुआ है. By faith we all know that we belongs to heaven. और हम विश्वास के अनुसार ये सब बातों को जानते हैं कि हम स्वर्ग के लोग हैं. But physically, because we are living on this world, we are living with the people who are worldly. लेकिन जब हम सांसारिक जीवन को हम लोग देखते हैं, शारीरिक जीवन को देखते हैं, और इस संसार में बहुत सारे शारीरिक लोग हैं, बस सांसारिक लोग हैं, उन लोगों के साथ अपना जीवन को जीते हैं. So we always see the people of the world and their lifestyle. हर समय हम लोग यही बात को ध्यान देते हैं, देखते हैं, और इस संसार के लोग जो अपना जीवन शैली को जीते हैं उन्हीं पर हम लोग देखते रहते हैं. So automatically we will see the standard of the earthly people's lifestyle as our standard. जब संसार की ओर देखते हैं, संसार के लोगों का जीवन का शैली को देखते हैं, तो हर समय हमारा सोच और विचार यही है हमारा जीने का तरीका. Yeah, and whatever they say as good, we will also think that is good. वो लोग जो कुछ भी अच्छा करके कहते हैं, हम लोग भी वही सोचते हैं कि हाँ यही अच्छा है. And whatever they think bad, we also think that is bad. और वो लोग यदि जो चीज को भी गलत कहते हैं, तो हम लोग भी सोचने लगते हैं ये चीज गलत है. Because all people are created in the image of God, there is a conscience in
every man's life that can find good and evil. क्योंकि हम सबके साथ परमेश्वर के द्वारा सृष्टि हुए हैं, उसकी स्वरूप में आप और मैं सृष्टि हुए हैं, इसीलिए हर एक प्राणी के अंदर ये सोच और विचार रहता है कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है. So killing is wrong. To know that truth, we don't need to be born again. और दूसरों का हत्या करना गलत है, इस बात के लिए हमने कोई पुनर्जन्म पाने की आवश्यकता नहीं है. और the social injustice is bad. To know that idea, we don't need to be born again. और समाज में जो अन्याय होता है ये गलत है, इस बात को जानने के लिए हमें कभी पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं है. Even in the very jungle area also, people knows which one is good and which one is evil. Maybe this differentiation may be a little bit different. और यदि जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति भी क्यों ना हो, कौन सा चीज गलत है और कौन सा चीज सही है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन इस बात को तो वो भी जानता है. Because a conscience is put in the mind of human beings to see the right and wrong. क्योंकि ये जो विवेक है, ये विवेक हर एक मनुष्य के अंदर डाला गया है, क्या सही है और क्या गलत है. So that earthly standard is not just the standard for us to live a heavenly lifestyle. और इसीलिए ये जो सांसारिक एक स्टैंडर्ड होती है बा जो मापदंड होता है, वही मापदंड ही हमारे लिए आत्मिक जीवन जीने के लिए नहीं होता. Actually we should be good even in the middle of the normal human beings, like the conscience good. और जब हम सामाजिक प्राणी हैं, संसार के लोगों के साथ जीते हैं, तो उस समय हमें एक अच्छा जीवन को जीना है, हमारा विवेक भी यही गवाही देता है. But we are expected from God to live a better life, means a holy life that is like the holiness of God. और हमारे जीवन से यही आग्रह किया जाता है कि हम एक पवित्र जीवन को जिए, क्योंकि वो पवित्र जीवन परमेश्वर का जीवन है. So our standard is not just earthly standard, it is much higher than the earthly standard. और हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जीवन का जो मापदंड है, वो सांसारिक जीवन से भी बढ़कर के है. That is why in verse 5, that therefore consider the members of your earthly body as dead. और इसीलिए पांचवा पद में हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं. How can we consider our earthly members of the body as dead? और हम लोग जो है इस संसारिक जो जीवन है, उस जीवन की उन अंगों को हम कैसे मार डालें वा उसको कैसे मरा हुआ समझें? So our body or our flesh has a desire to do the evil things. हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, गलत बात या जो है दुष्ट बात है, ऐसे चीजों के ऊपर ही हमारा ध्यान जाता है, मन लगता है. I know even then we are believers, we are born again people, we have a fight in our inner self to avoid the chances of temptation. और हम सत्य सब जानते हैं, हम विश्वासी होने के बावजूद भी हमारे अंदर ही अंदर एक युद्ध होता है, अच्छी वस्तु के लिए, अच्छी चीजों के लिए और गलत चीजों के लिए. So this temptation is always in front of us to lead us to do the sinful things.
और ये जो प्रलोभन है, ये जो परीक्षा है, हर समय हमें यही प्रलोभित करता है कि ये पाप भरी चीज, जो पाप का चीज को करने के लिए ही हमें जो है ऐसे प्रलोभन आता है. So when a temptation comes, Bible says you consider your earthly body as dead to these things. जब ऐसे ही प्रलोभन आता है तो अपना ये जो जो शरीर है उस शरीर को आप कैसे समझे, न मरा हुआ शरीर है करके आपको समझना होगा. Here certain things is mentioned here: immorality, impurity, passion, even evil desire, greed, and the financial idolatry. So these kind of things we are facing every day. So we consider our earthly body as dead to these things. और जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये सब कुछ संसारिक है. And it says that because your old self means because your self before you born again, they have it has been practicing all these kind of things. क्योंकि ये जो संसारिक शरीर है, आप अब विश्वास करने से पहले ही जो है ये सब चीजों को अच्छा है करके अब मानते हुए आ रहे हैं. But when you are born again, you have taken off this old self with its practices and you have put on the new self. और क्या किया है, जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हैं तो ये सब कुछ को आप उतार दिए हैं और नया वस्त्र को बा नया शरीर को परिधान किया है. In the coming verses, it says that you need to put aside anger, wrath, malice, slander, abusive speech. So these kind of things are connected to the earth, but we need to put aside. और आने वाला वचन में हम लोग देख सकते हैं क्रोध, रश, बेरवाब, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब चीजों को हमें छोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि ये सब सांसारिक चीजें हैं. You might be remembering these diagrams when I taught the topic Book of James. I have brought the same diagrams in front of you. और आप लोगों को स्मरण होगा जब याकूब का पुस्तक को मैं पढ़ा रहा था तो ये चित्र जो है मैं आप लोगों को दिखा करके पढ़ाने का कोशिश किया था. There came a question that why a believer is acting like an unbeliever. और वहां पर एक सवाल आया था कि क्यों एक विश्वासी अविश्वासी के जैसा कार्य करता है. Why a citizen of heaven is just living like a human earthly person. क्यों एक स्वर्ग का नागरिक इस धरती के समान, इस धरती के लोगों के समान अपने जीवन को व्यतीत करता है. We have seen the reason when Christ comes in our mind, he should be there as a Lord of our heart. But sometimes we ourselves, our self itself is taking control of our life, and Christ is not taking the control of our life. Then we are like the same old means a fleshy person. जब मसीह है हमारे जीवन में, उस मसीह को यदि हम प्रथम स्थान नहीं देते, हमारे हृदय में नहीं बिठाते हैं और हमारा जो स्वयं जीवन को, हमारा स्वार्थ को ही उसमें प्रथम स्थान देते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, ना एक सांसारिक व्यक्ति के समान अपना जीवन को व्यतीत करते हैं. See the first diagram, that person is not a born again person. अब देखिए पहला चित्र को, वो व्यक्ति जो है एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है. Christ is outside of his heart, but he is controlled by his own self. और अब प्रभु यीशु मसीह जो है उसके दिल से बाहर है और वो स्वयं उसका स्वार्थ ही उसको शासन कर रहा है.
And in the second diagram, that person became born again. दूसरा चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि वो व्यक्ति उद्धार पाए हो गए. See, in the throne of his heart, now he is controlled by the Lord Jesus Christ himself. और आप उसका हृदय के सिंहासन में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसका दिल को, उसका जीवन को नियंत्रण कर रहे हैं. His self is there, his flesh is there, but it is under the control of the Lord Jesus Christ. और उसकी स्वार्थ है, उसका जीवन है, लेकिन वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के नीचे है और प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन को नियंत्रण कर रहे हैं. But sometimes later, the same person, even then he is born again, he is trying to control, his self is trying to control his own life, and Christ is the control of Christ is there inside, but he is not controlling this person. लेकिन कभी कभार क्या होता है, अब देखिए प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर है लेकिन उसकी स्वार्थ और उसका जीवन ही उसको नियंत्रण कर रहा है. See, the first diagram and the third diagram, in the both diagrams, self is on the throne. आप देखिए पहला जो चित्र में देख सकते हैं और तीसरा चित्र में देख सकते हैं कि उसका स्वार्थ, उसका अपना स्वयं ही उस सिंहासन पर, उसका दिल के सिंहासन पर बैठा हुआ है, विराजमान है. The first diagram person is not a born again person, but the third diagram person is a born again person, but both are controlled by the same self. पहला जो व्यक्ति है वो क्या है ना, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, और तीसरा व्यक्ति वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है. पहला व्यक्ति को उसका स्वार्थ शासन कर रहा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है फिर भी उसका स्वार्थ और उसका जो की जो जीवन है वो उसका जीवन से ही वो नियंत्रित हो रहा है. So even then he is born again, he is just acting just like an unbeliever. भले ही वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है लेकिन फिर भी एक अविश्वासी के समान वो कार्य कर रहा है. So let me ask you, are you a born again person and still are you continuing the same kind of a life of an unbeliever? क्या आप, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है क्या, और उद्धार पाने का बाद भी जो है क्या आपका जीवन स्वयं शासित हो रहा है क्या, नियंत्रित हो रहा है क्या? Are you interested in the same sins the unbelievers are interested in? क्या आप जैसे कि अविश्वासी लोग जिस पाप में दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे ही पापों में क्या आप भी दिलचस्पी रखने वाले हैं क्या? Are you talking like the same as an unbeliever? क्या आप एक अविश्वासी के समान जैसा वो बात करता है आप भी वैसे ही बात करते हैं क्या? Are you working like an unbeliever just to get some money and make yourself rich? और क्या आप एक अविश्वासी के समान काम करते हैं कि पैसा ही पाए और जो है अमीर हो जाए, ऐसे काम को आप कर रहे हैं क्या? Are you greedy to get yourself and self-focused greedy person like an unbeliever? क्या आप ऐसा स्वार्थी और लालची हो गए हैं जैसे कि अविश्वासी लोग लालच में पैसे पाने के लिए अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए लालचपन दिखाते हैं, क्या आप ऐसे ही लालची हैं क्या? Are you also enjoying the sinfulness of the world even though you are not doing it, but you are enjoying it by seeing the sinful actions of the unbelievers? भले आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं लेकिन जो अविश्वासी लोग पाप करते हैं उस पाप में आप भी मजे ले रहे हैं क्या? See, you need to, Bible says that you need to remember that you are purchased, you are died with Christ, you are hidden in Christ, you are going to appear with Christ, you are a heavenly citizen, so the heavenly standard is put before you to follow. देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप
प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू द्वारा मोल लिए गए हो, प्रभु यीशु मसीह में मरे हुए हो, प्रभु यीशु मसीह में हो और स्वर्ग का एक नागरिक है, उसी रीति से आपको अपना जीवन को जीना जरूरी है। If your life is controlled by Christ, if your life is Christ-centered, your whole compartments of the life, even the financial, the profession or spiritual or emotional, all areas of life will be controlled by Christ. यदि आप मसीह आपके जीवन में केंद्रित है, प्रभु यीशु मसीह आपका दिल के अंदर यदि बैठे हुए उस वो यदि केंद्र बिंदु है, तो आपकी जो आर्थिक आवश्यकता हो, आपकी कर्म क्षेत्र में हो, आपके आत्मिक जीवन हो, सहभागिता हो, कोई भी चीज, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही नियंत्रित होगा। So Christ directed life or Christ centered life is a life that is empowered by the Holy Spirit. और जो मसीह जीवन होता है, वो मसीह जीवन में मसीह यदि तुम्हारा जीवन का केंद्र बिंदु है, तो वो जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य मिलता है। So your character, your earthly character is hidden in Christ, and Christ's divine character is coming through our lives. और आपका जो सांसारिक जो जीवन, सांसारिक स्वभाव छुप जाता है और प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। And in the book of James, when I taught that class, I brought this topic fruit of the spirit. और जब मैं याकूब का पत्र आप लोगों को पढ़ा रहा था, उस वक्त आत्मा का फल के विषय में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। We know that the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, that kind of nine quality fruit. और जैसे कि आत्मा का फल हम लोगों ने देखा था, और प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये सब नौ प्रकार के फल को हम लोगों ने देखा था। But there it is written that it is not a quality you are going to practice, but it is a fruit of the spirit. It is a character or the communicable attributes of the Holy Spirit. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ये सब जो है गुण को आप लोग दिखाने वाले नहीं, लेकिन ये पवित्र आत्मा का जो गुण है वो गुण को आप दिखाने वाले हैं। So when we are controlled by the Holy Spirit, when we are controlled by Christ, these divine characters are coming through our life. और क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप यदि नियंत्रित होते हैं, ये जो स्वर्गीय स्वभाव है आपके और मेरे जीवन में दिखाई पड़ेगा। You are not practicing to make these qualities in you, but it is already there in you because you are controlled by Christ. और ये सब कुछ जो गुण है, उस गुण को आप अभ्यास में नहीं डाल रहे हैं, ये सब गुण आपके अंदर है, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। There you are interested to introduce others to Christ. और वो उस वक्त में उस स्वभाव को दिखाते हैं, ऐसे समय में आप प्रभु यीशु मसीह का परिचय को देते हैं। So you would like to communicate with God in prayer. और इसीलिए आपको क्या करना होगा, ना आपको उस प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना के जरिए उसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। You will spend time to read the word of God and you will try to understand it. और आप क्या करेंगे, ना परमेश्वर का वचन को आप पढ़ेंगे और उस वचन को आप समझने का प्रयास करेंगे। You will trust God and obey God. आप लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से भरोसा करेंगे और उसके साथ साथ उनकी बातों को आप आज्ञा के रूप में मानेंगे। So a life that is heavenly focused is a life that is controlled by Christ. और जो स्वर्ग का जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित किया हुआ एक जीवन है। So you will put aside the earthly characters and you will wear the heavenly characters.
आप क्या करेंगे, ना जो संसारिक जो स्वभाव है, संसारिक जो गुण है, वो सब कुछ को करके स्वर्ग का जो गुण है वो गुण आप पहनेंगे। So in the from the last week and this week we have seen three things from the book of Colossians. How to live a heavenly lifestyle, that is what we have been thinking about. और स्वर्गीय जीवन कैसा जीना है उसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। एंड फर्स्ट रीजन वी सी दैट बाय चेंजिंग आवर फोकस फ्रॉम अर्थली टू हेवनली, हमारा सांसारिक जो विचारधारा को बदल करके हमारा स्वर्गीय विचारधारा लाना है। सेकेंडली बाय सेटिंग आवर माइंड ऑन द थिंग्स अबव, और हमारा विचार स्वर्गीय विचार हमारा जीवन में होना है। And now we have seen by considering the members of our earthly body as dead. और अभी हम लोग जो मनन कर रहे थे कि हमारा जो संसारिक जो शरीर को मृत्यु घोषित या मृत्यु करके सोचना चाहिए। There are three more reasons how we could live a heavenly lifestyle. They're in the book of Colossians chapter 3. We will see that in the next class, God willing. और प्रभु का इच्छा होगा तो अगला क्लास में जो कोलोसियों तीसरा अध्याय में जो बाकी जो आत्मिक व स्वर्गीय जीवन का बारे में आने वाला दिन में हम उसको मनन करेंगे। But just focus that you are precious in the hands of God. एक बात याद रख लेना कि आप परमेश्वर का हाथ में बहुमूल्य है। You are not an ordinary person. You are elected by God. You are selected by God. You are placed in heaven. You are in Christ. You are going to appear with Christ. How great position you have! और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य में आपका स्थानमान कितना ऊंचा और महत्व है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन आप प्रकाशित होंगे, प्रभु यीशु मसीह को मिलेंगे। ये सारे बातें जो हम लोग मनन करते हैं कितना बहुमूल्य है। Let us turn our eyes from downward to upward. आइए हमारा जो दृष्टि इस संसार का दृष्टि से बदल करके स्वर्गीय दृष्टि करें। Whatever you say, whatever you speak, or whatever you do, do it as for the Lord. जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, ये सब कुछ प्रभु का महिमा के लिए होना है। May His name be glorified. प्रभु का नाम महिमा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका बहुमूल्य